नमस्कार, मैं जगदीश गुरव श्री भैरवनाथ विद्यालय अवसरी खुर्द पुणे में गणित और विज्ञान का शिक्षक हूँ। यदि छात्रों को केवल चॉकबोर्ड पद्धति से पढ़ाने से अलग मज़ेदार क्रियाओं की मदद से स्व अनुभव के द्वारा पढ़ाया जाए तो उनके लिए अवधारणाएँ ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं आज आपके साथ ऐसे ही एक मज़ेदार अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार सिखाने की मज़ेदार गतिविधि आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस क्रिया से विद्यार्थी चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार पहचानने में सक्षम हुए। चतुर्भुज को भुजाओं की लंबाई और कोणों के नाप के आधार पर वर्गीकृत करने में भी विद्यार्थी सक्षम हुए। इस पाठ के प्रारंभ में छात्रों ने अनेक द्विविम त्रिविम वर्गाकार के आकार का संशोधन किया। फिर पांच पांच छात्रों के समूह बनाए गए और प्रत्येक समूह को चतुर्भुज त्रिकोण जैसी विभिन्न आकृतियों वाली एक कार्यपत्रिका दी गई। छात्रों को इसमें चतुर्भुज की पहचान करके उस कार्यपत्रिका में दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस गतिविधि की मदद से वह क्या सीखने जा रहे हैं इसका अनुमान छात्रों ने लगाया और सभी छात्र अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। फिर हमने चतुर्भुज के प्रकारों को समझने के लिए एक मज़ेदार खेल खेला। पहले दो इलेक्ट्रिक केस सेट आपस में ऐसे जोड़ दिए कि उनकी कुल लंबाई हम बढ़ा सकें। ऐसे कुल चार केस सेट और चार नटबोल्ट सेट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रिक केस सेट के अंत में एक छेद बनाएं और प्रत्येक दो सेट नटबोल्ट की सहायता से जोड़ें। इस तरह आप चतुर्भुज की लंबाई बदलकर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ग से एक आयत बनाया जा सकता है, समचतुर्भुज जिससे एक समलंब चतुर्भुज बनाया जा सकता है। यह मॉडल प्रत्येक समूह को 5 मिनट देखने के लिए दिया गया। उन्होंने अधिकतम प्रकार के चतुर्भुज बनाकर उसकी आकृतियां नोटबुक में बनानी थी। जिस समूह ने सबसे ज़्यादा चतुर्भुज की आकृतियां बनाई वह जीता। छात्रों ने खोजी सभी आकृतियों को मैंने बोर्ड पर उतारा और फिर कुछ प्रश्नों पर चर्चा की, जैसे इन सभी आकृतियों को चतुर्भुज क्यों कहा जाता है और ये सभी चतुर्भुज एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? छात्रों ने गतिविधि के माध्यम से मज़ेदार तरीके से सीखा। छात्रों ने उन क्रिया में चतुर्भुज के भुजाओं की लंबाई और कोणों को नापा। उन्होंने देखा कि कुछ चतुर्भुज के सभी चार कोण 90 डिग्री के हैं, कुछ के विपरीत कोण समान हैं, कुछ के सभी कोण अलग अलग नापे गए हैं। कुछ चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं, तो कुछ की अलग अलग है। इन सब अवलोकन से छात्रों को चतुर्भुज के अलग अलग गुणों का पता चला। फिर विभिन्न गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के नामों की व्याख्या छात्रों ने की। छात्रों ने चतुर्भुज की आकृतियां और जानकारी नोटबुक में लिखी। छात्रों से इस गतिविधि के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए। क्या सभी चतुर्भुज की भुजाएं समान लंबाई की है? क्या वे भुजाएं समानांतर है? क्या चतुर्भुज के सभी कोण समान है? पाठ के अंत में छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने कितना समझा है। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को आकृति के सहित समझाइए। क्या प्रत्येक चतुर्भुज एक आयत होता है? समझाइए। पता करें कि रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से चतुर्भुज कहाँ उपयोग किए जाते हैं। छात्रों के उत्तर बिल्कुल स्पष्ट थे। इससे यह देखा गया कि वे चतुर्भुज के सभी प्रकारों को ठीक से समझते हैं। सभी छात्र गतिविधि में शामिल थे। छात्रों ने चतुर्भुज के प्रकार का अनुभव किया, उन्हें टटोला। यह उन्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों, छात्र हमेशा गतिविधि के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। आप इस गतिविधि को कक्षा में जरूर आजमाइए। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स में पाठ योजना को पढ़ना सुनिश्चित करें और आपका अनुभव हमसे जरूर साझा करें। शुक्रिया।